व्हाट्स गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू YFL। वेज रेड थाई करी बना रहा हूँ आज। अब ये रेसिपी वीगन भी है और बहुत ही डिलिशियस बनती है। घर पर जब भी हम थाई करी बनाते हैं तो यूजुअली वो पैकेट में रेडीमेड थाई करी पेस्ट मिलती है, वो ले आते हैं, कोकोनट मिल्क डाल के वेजिटेबल्स या चिकन प्रॉन्स वगैरह डाल के थाई करी बना देते हैं। लेकिन अगर घर पे एक्चुअल होममेड थाई करी बनानी है तो होममेड थाई करी पेस्ट का बनाना बहुत ज़रूरी है और बहुत आसान होता है ये पेस्ट का बनाना। मैं आपको पहले ग्रीन थाई करी पेस्ट ऑलरेडी बता चुका हूँ, वेज ग्रीन थाई करी की रेसिपी बता चुका हूँ, आज रेड वाला वर्जन बता रहा हूँ। तो थाई करी पेस्ट के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें आधे से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हमारे पास ऑलरेडी घर पे होंगे। सबसे पहले ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो आपके घर पे नहीं होंगे वो देख लेते हैं, जो थाई क्विजीन में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास लेमन ग्रास है, साथ ही में अदरक जैसा जो दिख रहा है इसे गलांगल कहते हैं, और ये कुछ पत्ते हैं जिन्हें काफिर लाइम लीव्स कहते हैं। तो ये जो तीन इंग्रेडिएंट्स हैं ये यूजुअली हमारे इंडियन किचन में नहीं होते हैं। इसके अलावा थाई करी पेस्ट में और तीन चीज़ें यूज़ की जाती हैं। एक तो काफिर लाइम होता है, जो झाड़ के पत्ते हम यूज़ करें उसी झाड़ का नींबू होता है, उसका छिलका यूज़ किया जाता है। अब ये फ्रेश काफिर लाइम यूजुअली आसानी से मिलता नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो हम नींबू यूज़ करते हैं हमारे घर पे उसका छिलका यूज़ कर लेता हूँ। अगर आपको काफिर लाइम मिले, काफ़ी सारे सुपर मार्केट्स में मिल जाता है, अगर मिले तो उसका छिलका यूज़ कीजिए, नहीं तो नींबू का छिलका यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा श्रिम्प पेस्ट और फिश सॉस, ये दो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं वो उमामी फ्लेवर के लिए, वो एक सॉल्टीनेस ऐड करने के लिए। हम वेजिटेरियन वर्जन बना रहे हैं तो श्रिम्प पेस्ट और फिश सॉस नहीं डालने वाला हूँ। अगर आप नॉन वेजिटेरियन वर्जन बना रहे हैं तो एक टीस्पून श्रिम्प पेस्ट और एक टेबलस्पून फिश सॉस आपको इसमें ऐड करनी है। पेस्ट बनाते समय श्रिम्प पेस्ट ऐड करोगे और फिश सॉस को करी बनाते समय ऐड करोगे। नॉन वेजिटेरियन वर्जन में भी काफ़ी लोगों को हमारे पैलेट के हिसाब से श्रिम्प पेस्ट और फिश सॉस का फ्लेवर नहीं पसंद आता है, तो अगर नहीं डालना चाहते हैं तो ऑप्शनल है। ऑथेंटिक ट्रेडिशनल तरीके से जो थाई करी बनती है उसमें वो दो इंग्रेडिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी तीन इंग्रेडिएंट्स जो आज हमने लिए हैं, लेमन ग्रास, गलांगल और काफिर लाइम लीव्स, इनको काट लेना पड़ता है ब्लेंड करने से पहले या ग्राइंड करने से पहले, तो उनको तैयार कैसे करना है वो देख लेते हैं। पहले लेमन ग्रास को कट कैसे करना है देख लेते हैं। तो लेमन ग्रास का ये स्टॉक पोर्शन और ये पत्तों का पोर्शन होगा। ये जो पत्ते का पोर्शन है हम यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इन्हें काट लीजिए और इन पत्तों को चाय में ऐड कर सकते हो, जब भी चाय बना रहे हो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब ये स्टॉक वाला पोर्शन है, इसमें जो निचला पोर्शन होता है काफ़ी वुडी होता है और ग्राइंड नहीं होता है, तो ये वुडी पोर्शन को हमको काट कर निकाल देना है। ये जो बाकी का स्टॉक बचेगा वो यूज़ करना है, इसकी एक ऊपर जो मोटी कवरिंग होगी वो आप निकाल दीजिए। एकदम आपको जो कवला पार्ट होता है, इसका सॉफ्ट पार्ट होता है, वो यूज़ करना है, और सॉफ्ट पार्ट को इस तरीके से आपको एकदम छोटा छोटा रफली चॉप कर लेना है। इस तरीके से लेमन ग्रास को काट लीजिए। ये गलांगल है, ये अदरक जैसे दिख रहा है पर इसका फ्लेवर काफ़ी अलग होता है। इसे आपको बहुत अच्छे से वॉश कर लेना है, अच्छे से स्क्रब कर लेना है। उसके बाद इस पर ऐसे आपको डंडियां दिखेंगी, इन्हें निकाल लीजिए, उसके बाद इसे रफली चॉप कर लीजिए। एक बार आपने गलांगल को इस तरीके से कट कर लिया है, अभी काफिर लाइम लीव्स को कैसे कट करना है देख लेते हैं। जैसे पत्तों को एक के ऊपर एक ऐसे स्टैक कर लीजिए, उसके बाद पत्तों को रोल करके इस तरीके से इसको चॉप कर लीजिए। तो जब भी आप इसे मोटर पेस्टल में ग्राइंड करोगे ये आसानी से ग्राइंड हो जाएंगे। तो ये तीन इंग्रेडिएंट्स को आपने देखा, मैंने इसे कट कर लिया क्योंकि मैं आज हमाम दस्ते में एक मोटर और पेस्टल में पेस्ट बनाने वाला हूँ, तो मुश्किल हो जाती है ग्राइंड करते समय। आप अगर एक ब्लेंडर या चॉपर का यूज़ करें, मिक्सी में पीस रहे हैं, तो इससे भी मोटा काट सकते हैं क्योंकि मिक्सी में आसानी से पीस जाता है सारा सामान। ये वाले इंग्रेडिएंट्स के अलावा जितने भी इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करने वाले हैं वो हमारे इंडियन किचन्स में होते हैं, मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ ये इंग्रेडिएंट्स है कौन से। ये धनिए के डंठल और रूट्स मैंने लिए हैं, जड़ ले लिए धनिया जो हम घर पे लाते हैं, ये उसी में से आपको निकाल कर यूज़ करना है। साथ में लहसुन है, ये वो जो मद्रासी प्याज यूज़ करते हैं सांभर बनाते वक्त, वो लिया है। मैं जो नींबू आपको बता रहा था, मैंने ये हमारा जो नॉर्मल नींबू है वही लिया है, इसका हम छिलका यूज़ करने वाले हैं। साथ ही में तीन मसाले हैं यहाँ पर, साबुत धनिया है, वाइट पेपर है, सफ़ेद मिर्च और जीरा है, और साथ ही में रेड थाई करी के लिए रेड चिलीज बहुत ज़रूरी होती हैं, तो यहाँ पर मैंने 10 से 12 कश्मीरी लाल मिर्च ली है और 4 से 5 तीखी वाली लाल मिर्च ली है। इनकी मैंने डंडी निकाल कर इन्हें गर्म पानी में आधे से एक घंटे के लिए ऐसे भिगो के रख दिया था। तो ये हमारे बेसिक एकदम इंडियन इन्ग्रीडियंट्स यूज़ होते हैं जो हमारे घर पर हमेशा होते हैं। तो ये जो मिर्ची आए हैं, आज मैं कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ कर रहा हूँ, ऑब्वियसली थाई करी में कश्मीरी मिर्च तो नहीं पड़ती होगी,
स्पर रेड चिलीज यूज की जाती हैं काफी ज्यादा, और बर्ड्स आई चिली भी यूज की जाती है। जैसे ग्रीन थाई करी में भी ग्रीन बर्ड्स आई चिली यूज की जाती है। रेड थाई करी में यूजुअली ड्राई चिलीज जैसे स्पर रेड चिलीज होती है उन्हें सोक करके यूज किया जाता है। अब इंडिया में तो कई सारी लाल मिर्चियां अवेलेबल होती हैं, तो आज मैंने दो कॉम्बिनेशन में मिर्चियां ली है। जो कश्मीरी लाल मिर्च है वो कलर देगी, वो लाल वाला कलर, और जो तीखी वाली लाल मिर्च है मैंने पांडी मिर्च ली है, बट आप कोई भी तीखी मिर्च ले सकते हैं, वो स्पाइसीनेस का किक ऐड करेगी। तो बस इसी तरीके से ये इंग्रेडिएंट्स लेने हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप है, या तो इसे एकदम ट्रेडिशनल तरीके से हम ग्राइंड कर सकते हैं जैसे एक हमाम दस्ते में ग्राइंड किया जाता है मोटर पिस्टल यूज करके। अगर आपको उतना टाइम स्पेंड नहीं करना है, लगभग 20 से 25 मिनट मिनिमम लगते हैं पेस्ट अच्छे से बनाने के लिए। अगर एक दो मिनट में काम करना है तो एक चॉपर मिक्सर ग्राइंडर या मिक्सी ले लीजिए और उसके अंदर आप पीस सकते हैं। खाली आपको करना क्या, जो तीन मसाले हमने लिए थे ड्राई स्पाइसेस उन्हें अलग से पीस लेना है और वेट इंग्रेडिएंट्स को अलग से पीस लेना है और मिक्स करना है, नहीं तो ड्राई स्पाइसेस जो है ग्राइंड नहीं होते। मैं आज ट्रेडिशनल तरीके से इसे पीस रहा हूँ। एक हमाम दस्ते के अंदर थाई करी पेस्ट बना लेते हैं। हमाम दस्ते में सबसे पहले ड्राई स्पाइसेस को कूटने के लिए 2 टीस्पून साबुत धनिया, 2 टीस्पून जीरा और 1 टेबलस्पून वाइट पेपर ऐड कर दीजिए। इन मसालों को भी अच्छे से एक पाउडर में आपको ग्राइंड कर लेना है। आप देख सकते हैं इनका एक फाइन पाउडर बन चुका है, इसी तरीके से आपको पीस लेना है। ये फाइन पाउडर को निकाल कर साइड पर रख दीजिए। अब हमाम दस्ते के अंदर 2 स्टॉक्स मैंने लेमन ग्रास के काट के ऐड किए हैं, 2 इंच चॉप किया हुआ गलांगल, 5 से 6 चॉप किए हुए काफिर लाइम लीव्स, 8 से 10 लहसुन की कलियां, 5 से 6 मद्रासी प्याज यानी के शैलट्स, और थोड़े से धनिए के डंठल और जड़ों को मैंने चॉप करके ऐड कर दिया है। अब जो नींबू का छिलका हमें यूज करना था उससे कैसे निकालना है, तो एक चाकू ले लीजिए या एक ग्रेटर ले लीजिए, उससे इस तरीके से आपको छिलके को काट कर निकालना है। कोशिश करना है ये जो सफ़ेद वाला हिस्सा है वो कम से कम लेना है क्योंकि ये काफ़ी कड़वा होता है। तो बस हरा हरा पार्ट लीजिए नींबू का और ये जो छिलका आप निकालेंगे नींबू से उसे भी हल्का सा चॉप कर लीजिए। अब इस छिलके को भी हमाम दस्ते में ऐड कर दीजिए, साथ ही में 1 चुटकी इसके अंदर नमक ऐड कर दीजिए। अब आपको इसे ग्राइंड करना शुरू करना है, तो पहले ऐसे बड़े बड़े जो पीसेस हैं सारी चीज़ों के उसको ऐसे पाउंड करते हुए ऐसे कूटते हुए थोड़ा सा कूट लीजिए। उसके बाद आपको इसे अच्छे से ग्राइंड करना है, अच्छे से इसको हमाम दस्ते के अंदर पीसना है जब तक कि ये काफ़ी फाइन नहीं हो जाता। तो आप देख सकते हो लगभग 4-5 मिनट बाद मैंने अच्छे से इन्हें कूट लिया है। आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी कैसे हो गई है। इस स्टेज पर इसमें मिर्ची ऐड करनी है, तो सोक की हुई मिर्ची को ऐड करने से पहले थोड़ा सा मैं रफली चॉप कर रहा हूँ कि आसानी हो जाए इन्हें कूटने के लिए। तो ऐसे रफली चॉप करके मिर्ची को भी ऐड कर दीजिए। अब हमाम दस्ते में आपको तब तक इस पेस्ट को पीसना है जब तक कि एक सेमी फाइन पेस्ट आपको नहीं मिल जाती है। लगभग 15 मिनट तो मिनिमम लग जाते हैं इसे अच्छे से पीसने के लिए। मिक्सर ग्राइंडर यूज़ कर रहे हो तो फटाफट आपका काम हो जाएगा, मिक्सी में भी पीस सकते हैं। बस ध्यान दीजिए बहुत ज़्यादा पानी आपने यूज़ नहीं करना और बहुत फाइन एकदम पतली पेस्ट नहीं बनानी, एकदम थिक पेस्ट बननी चाहिए। तो आप देख सकते हो अभी मैंने थाई करी पेस्ट को अच्छे से पीस लिया, इसकी कंसिस्टेंसी और कलर देख सकते हो एकदम बढ़िया आया है। इस स्टेज पर इसमें हमारे जो ड्राई स्पाइसेस हमने पीस के रखे थे वो ऐड कर दीजिए, हल्का सा मिक्स या हल्का सा ग्राइंड कर दीजिए फिर बस कुछ ही सेकंड्स के लिए, और ये आप देख सकते हो हमारी होममेड रेड थाई करी पेस्ट रेडी हो गई है। तो हमारी रेड थाई करी पेस्ट रेडी हो गई है और आपने देखा कि कितना बढ़िया रंग आया है, और जो इसकी अरोमा है बहुत फ्रेग्रेंट होती है ये वाली थाई करी पेस्ट। और ये जो आज क्वांटिटी हमने बनाई है इससे 2 बार आप थाई करी बना पाएंगे। तो मैं यूजुअली डबल क्वांटिटी बना लेता हूँ कि एक बार इतनी मेहनत की है तो दूसरी बार हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद आप खा सकते हैं। तो ये थाई करी पेस्ट को एक एयरटाइट कंटेनर में डालकर फ्रीज़र में रख दीजिए, 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद जब भी आप चाहें तो फिर से निकाल कर इसे यूज़ कर सकते हैं और थाई करी बना सकते हैं। अब ये थाई करी पेस्ट यूज़ करके थाई करी कैसे बनाई जाती है वो देख लेते हैं। एक वॉक ले लीजिए, यहाँ पर मेरे पास 400 से 500 ml कोकोनट मिल्क है। मैं यहाँ पर सिर्फ 100 ml कोकोनट मिल्क पहले ऐड कर रहा हूँ। ये इतना सा ही कोकोनट मिल्क क्यों ऐड किया है, थाई करी बनाते समय काफ़ी टाइम ऑयल नहीं यूज़ किया जाता है, कोकोनट मिल्क में ही पेस्ट को पकाते हैं, तो थोड़ा सा कोकोनट मिल्क इस तरीके से डाल के उसे हल्के से उबाल पे ले आइए। फिर इसके अंदर हम आधी थाई करी पेस्ट जो हमने बनाई थी वो ऐड कर देंगे। इस थाई करी पेस्ट को आपको अभी अच्छे से स्टर करना है और मीडियम हाई फ्लेम पर इसे तब तक पकाना है जब तक कि जो कोकोनट मिल्क है उसमें से फैट नहीं रिलीज हो जाता है, थोड़ा सा आपको तेल नहीं दिखना शुरू हो जाता है। तो आप देख सकते हो लगभग 3-4 मिनट अच्छे से पकाने के बाद फैट रिलीज हो चुका है और देख सकते हो एकदम कंसिस्टेंसी जो है, कलर जो है हल्का सा चेंज हो गया हमारी पेस्ट का। इस स्टेज पर बाकी का कोकोनट मिल्क ऐड कर देंगे। टोटल आप 400 से 500 ml कोकोनट मिल्क यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं।
कोकोनट मिल्क डालते ही 500 से 600 ml पानी ऐड कर दीजिए। अब सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक बार सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं, इस करी को एक बॉईल पे ले आइए। एक बार करी में उबाल आ जाए तब इसके अंदर 1/3 cup बेबी कॉर्न ऐड कर रहा हूँ। अभी फिलहाल एक ही सब्जी ऐड कर रहा हूँ क्योंकि बाकी सब्जियों से बेबी कॉर्न को ज़्यादा समय लगता है पकने के लिए। तो बस बेबी कॉर्न को 3 से 4 मिनट पकने दीजिए पहले। एक बार 3 से 4 मिनट के लिए आपने बेबी कॉर्न को पका लिया है, अब बाकी की सारी सब्जियाँ इसमें ऐड करनी है। 1/3 cup गाजर, 1/3 cup बटन मशरूम, 1/3 cup ब्लांच की हुई ब्रोकली, 1/3 cup लाल वाली शिमला मिर्च और 1/3 cup हरी वाली शिमला मिर्च भी ऐड कर दीजिए। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद करी को आपको टेस्ट कर लेना है सीजन करने से पहले। तो यहाँ पर टेस्ट के हिसाब से नमक और 1.5 tablespoon यहाँ पर शक्कर ऐड कर रहा हूँ। ट्रेडिशनली पाम शुगर यूज़ की जाती है, मैंने ब्राउन शुगर यूज़ की, आप नॉर्मल शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से स्टर कर लीजिए। स्टर करने के बाद अभी आपको बाकी की सब्जियों को उतना ही पकाना है जितना कि आपकी जो सब्जियाँ हैं क्रंची रहें, एकदम गल नहीं जानी चाहिए। तो लगभग 6 से 7 मिनट के लिए बाकी की सब्जियों को भी करी में पका लीजिए। इस प्रोसेस में आपकी करी भी जो है वो और अच्छे से पक जाएगी। एक बार आपने 5 से 6 मिनट करी को पका लिया है, इस स्टेज पर भी वापस से आप टेस्ट कर लीजिए और यहाँ पर अगर लगे तो नमक और शक्कर आप एडजस्ट कर सकते हैं। लास्ट में से खूब सारे बेसिल के पत्ते ऐड करने, 6 से 7 काफिर लाइम लीव्स ऐड करनी है और 1 से 2 मिनट के लिए फिर से आपको बेसिल और काफिर लाइम लीव्स के साथ इस करी को पकाना है कि बेसिल का भी और वो पत्तों का भी और फ्लेवर जो है वो करी के अंदर आ जाए। बेसिल को हमने एंड में ऐड किया है कि स्टार्ट में ऐड करेंगे तो बेसिल का जो फ्रेश फ्लेवर है वो निकल जाएगा करी में से इतनी पकाने के बाद, इसलिए हम बेसिल को लास्ट में ऐड करते हैं। एक बार 1 से 2 मिनट के लिए इस करी को फिर से आपने पका लिया है। लास्ट में इसमें 1 से 2 वो जो बड़ी वाली लाल मिर्च होती है उससे मैं ऐसे स्लाइसेस कट करके इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं और ये आप देख सकते हो हमारी वेज रेड थाई करी रेडी हो गई है। लेट्स प्लेट इट वाईएफएल स्टाइल। वेज रेड थाई करी इतनी डिलिशियस बनी है हमारी फ्रेश होममेड थाई करी पेस्ट के साथ, और यही रेसिपी को आप नॉन वेजिटेरियन वर्जन भी बना सकते हैं। इसका प्रोसेस ऐसा होगा कि आपने एक बार जो इनिशियल कोकोनट मिल्क में जो पेस्ट को पकाया था उस स्टेज पर आपको चिकन को ऐड कर देना है, चिकन थाई यूज़ करना है और फिर उसको अच्छे से पकाना है। उस स्टेज पर प्रॉन्स को ऐड कर देना है और उनको थोड़ा सा पका कर बाकी का कोकोनट मिल्क डाल के आगे पका लीजिए। कुछ सब्जियां वहां भी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सब्जियां आप अपनी मनपसंद की यूज़ कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करो ये रेड थाई करी की रेसिपी अपने घर पे और मुझे बताओ कमेंट्स में आपको ये रेसिपी कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटीफुल वेज रेड थाई करी रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।